GNB Music Presents. हेलो, तेरे लिए आज बड़ी खुशी का समय, बड़ी खुशी का दिन। आज तक तो कोई खुशी का दिन नहीं आया, कोई खुशी की बात नहीं आई, पर अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो बता दो कौन सी खुशी की बात है। देखिए, इसकी बात का हर एक बात का जवाब दूंगा, लेकिन शर्त यह है, अगर इसकी बात में वजन लगे तो इसके लिए ताली बजा देना, और मेरी में लगे तो मेरे लिए बजा देना। ठीक है जी, आज ये बजाने पे ही रहेंगे जब तक प्रोग्राम चलेगा। और अगर दोनों की लगे तो पाम भी रात भी दोनों की बजा देना। खुशी की कह रही है कि मेरे लिए कोई खुशी का समय नहीं है। एक दिन तो तेरे लिए खुशी का समय वो था कि जब तू गंगा नदी में स्नान कर रही थी, उस गंगा नदी में तू स्नान कर रही थी, हम पांचों पांडव शास्त्रार्थ कर रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, और उस समय तू कपड़े उतार कर स्नान कर रही थी, एक बाज तेरे कपड़े लेकर उठ गया, और वहां मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर ने मुझे आदेश दिया कि जल में देखकर इस बाज को तीर मारो, और मैंने उस बाज को जल में देखकर तीर मारकर तेरे कपड़े वापस पहराए, उसने बहुत खुश हुई थी। मेरी बात भारी है जी, जवाब नहीं दिया, ताली बजा दो मेरे लिए। दूसरा खुशी का दिन, अच्छा, उसी बात को याद करके, मैं समझता हूं 2% लोगों को भी नहीं पता होगी ये बात। दूसरा खुशी का दिन, उसी चीज को प्रण करके तूने यही शर्त रखवाई सोमवार में कि तेल कढ़ाऊ में देखकर इस मछली को जो बींधेगा वो मेरा पति बनेगा। तू जानती थी कि अर्जुन ये काम कर सकता है, तू बहुत चालाक है, तूने पहले ही मुझे अपना पति मान लिया। अब राजी हो रही है जी, बजाओ ताड़ी। यूं कहे खुशी का दिन है, खुशी का आज भी दिन राजी हो रही है। अब बता अपनी बात, तेरे बेटे अभिमन्यु की शादी उत्तराकुमारी से तय कर दी, और एक माँ के लिए इससे ज्यादा खुशी का समय नहीं हो सकता उसके बेटे की शादी हो रही हो। अच्छा, पर मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। ऐसा क्यों है पंचाली? ऐसा इसलिए कि तुम वो दिन, वो बातें, वो बेइज्जती भूल चुके हो जो मैं नहीं भूली हूँ हस्तिनापुर में जो हमारी हुई है। बार बार उस समय का जिक्र करने वाली द्रौपदी, प्रण से बंधे पांचों पांडव बैठे हैं, अज्ञातवास बिल्कुल खत्म हो गया, और तू सबर कर, पहले अपने बेटे की शादी कर ले, तेरा बदला पूरा किया जाएगा, ऐसा मेरा तुझसे वचन है। आज तक तो पूरा हुआ नहीं है बदला, तुम्हें ये सोच रहे हो आज मीठी मीठी बातों में द्रौपदी को बहका लो, शादी कर लो, फिर भूल जाना। मैं पर ये अब जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, जब तक इस घर में कोई शादी ब्याह नहीं होंगे, तुम तो शादी ब्याह की बात करते हो, मैं चैन से खाने कमाने भी नहीं दूंगी। वाह, अच्छा, वजन है तो बजा दो। वाह द्रौपदी, मान गए, पांचों पांडवों के साथ ब्याही गई। काल का मां का अवतार, वो खप्पर बनने ज्वाला, ये जो तेरी नागण जैसी जीव है ना, इसके कारण पांचों पांडव आज बर्बाद है। अच्छा, हाँ, मतलब मेरी जीव की वजह से, तेरी जीव की वजह से हम बर्बाद हैं। अच्छा, हाँ, और मैं ये कह रही हूँ कि मैं तुम पांचों की वजह से बर्बाद हूँ। हाँ, तो तैने ही पांच बनाए, नहीं एक तब गुजारा कर सके। मैंने नहीं बनाए पांच, तुम तो पांच पांच का दस दस के, तेरी माँ ने बनाए। माँ ने तो पांच ही बनाए थे, ये तो मान सकता हूँ, लेकिन पति तैने बनाए थे। हाँ, पति भी उन्होंने ही बनाए, मैं बताऊंगा, तूने ही अपने आप मांगे थे। अच्छा, हाँ, सुन ले, कह दे अपनी बात मेरी, सुन ले। आइए गुरु जी, उसे हस्तिनापुर किया, भैया समाज बैठा है। वक्त, वक्त एक ऐसी चीज है जो हीरे को मिट्टी कर देता। कभी पूरे सोमवर से पूरे विश्व के सामने धनुर्धर अर्जुन के साथ ब्याह के आई, आज रोकती उसे हिजड़ा कहती, क्योंकि हमारा वक्त खराब है, और वक्त किसी का सगा नहीं होता। बताऊंगी हिजड़ा क्यों कह रही हूं। और जहर भरी तेरी जीभ ने नागण कर दिए बर्बाद, जहर भरी तेरी जीभ ने
जब मुझे नंगी जान दिखाई गई, याद नहीं आती जब मैं वेश्या कह बुलाई गई, याद नहीं आती जब मैं वेश्या कह बुलाई गई। वो भी मने याद द्रौपदी करण का तारा था पानी, वो भी मन री याद द्रौपदी जब करवा दी तन कोने बाघानी, वो भी मन याद द्रौपदी करवा दी तन कोने बाघानी। हो जखम हरे के हरे ही जड़े पड़ी इन मेरा, हर चेहर भरी तेरी जीवे नैना गणे कर दिए बर्बाद, चेहर भरी तेरी जीवे नैना गणे कर दिए बर्बाद। इधर मतलब अभी सारी गलती मेरी, बताओ तेरी गलत बात है, मतलब लोटा मत बन बाटी है। अच्छा हाँ जो भी है वो, मतलब अर्जुन कुछ कह रहा है जब भी ताली बजा रहे हैं, द्रौपदी कह रही है हाँ तो एक तरफ रहो, बराबर बराबर का पलटा चल रहा है, ताली तो दोनों के लिए बजेगी। इसने ये कहा कि याद नहीं आती जब मैं सभा में बुलाई गई, याद नहीं आती जब नंगी जांग दिखाई गई, और मैंने वो प्रसंग बताया कि भरी सभा में एक छोटी सी बात के ऊपर इसने करण को सभा से बाहर निकाल दिया था, जबकि उसकी गलती नहीं थी, इसकी गलती थी ना। मेरा पलटा भारी हो गया, बजाओ जी एक बार ताली। मतलब तू कर ले अपना भारी, मैं किसी से शादी करूंगी तो बिना खानदान का नाम पूछे शादी कर लूंगी, किसी के भी पल्ले लग जाऊंगी। बड़ी बावली है, यही पता नहीं है वैद्य सरपंच गुरु साधु और वीर की कोई जात नहीं होती, ये समाज के लिए होते हैं, और तेरी जैसी तो मेरे जैसे छतरी के पीछे लेन लगी पड़ी है। चल निकल जा अपने घर ना, मैं तो कोई और देख लूंगा। देखा था तेरा छत्रापन कहां पे, बता चुकी हूँ। हाँ। एक वो दिन था कि कभी पूरे हस्तनापुर के अंदर हमारा राज चलता था। हमारा नहीं केवल हमारा था, तू तो ब्याह के आई थी। हाँ जो भी है, मैं भी तो महारानी थी वहाँ। अच्छा आज मेरा दासियों से भी ज्यादा बुरा हाल है। किसकी वजह से? ये तुम्हारा छत्रापन जो दिखता, ये तुम्हारी जीभ की वजह से, तुम्हारे छत्रा पहली तेरी जीभ चली, अभी तो मैं बताऊंगा कहां कहां जीभ चली है। नाम नाम के छत्री हो तुम, छत्रापन तो कदी को खत्म हो चुका। ये तो मुझे पता है, मैं नाम नाम के छत्री तो तू ही है, जो अकेली हर पांच पति ने लिए डोल रही है, छत्री तो तू ही है। कह दे अपनी बात। महारानी से दासी ही कर दी, महारानी से दासी कर दी, पीटी और घसीटी गई, दुर्शासन के हाथ बाल पकड़ पकड़ कपीटी गई। नीची नाड़ करके बैठे पर छत्रापन पीटी गई, नीची नाड़ करके बैठे पर छत्रापन पीटी गई। वहाँ कहाँ गया था छत्रापन, आराम करने सो रहा था। इसकी बात जहाँ जरूरत थी वहाँ छत्रापन दिखाते, आज छत्रापन क्यों दिखावे? मेटाडोर ना बने ये बताएंगे। इसकी बात में जान थी तो इसके लिए ताली बजा दो, अगर लगी हो तो, बस इतनी लगी है मेरी, सुन। राजा ते भिक्के मंगे कर दिए। अच्छा राजा
दस्तानी। अच्छा। बाप बरोबर जेठ से कहेगी अंधे का अंधा अभिमानी, रमरवा के बैठेगी जगन राख पर भरणी मानस खड़ी, मरवा के बैठेगी जगन खपर भरणी मानस खड़ी। ताली उतनी बजनी है नहीं, जोरदार बजिए मेरे लिए, दोबारा बजाओ जी और बस की। मतलब तेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने अंधे का अंधा कही, मेरा मतलब नहीं है, पब्लिक बता रही है, मेरे छोड़ तू। ये रीजन नहीं था। क्या था? मैंने तो कह दी तू धार ले हुआ था, तने क्या जरूरत थी वो जुआ खेलने की। अब ले ले बाबा जी का ठुल्लू, राज भी गया बहू भी गई, और अब कह दो तेरे लिए भी बज गई। हो खून की गर्मी खत्म हुई, अब बता खून की गर्मी खत्म होगी। मतलब चल मैंने उससे कह भी दी अंधे का अंधा, राड़ भी जमगी सारी बात, तेरा फर्ज क्या बने, छतरापन दिखाओ युद्ध कर। अरे बावड़ी युद्ध करूंगा, पहले बेटे का ब्याह तो कर ले, बाद में करेंगे ना। फिर अरे बाल कवारा रहेगा तो फिर किसके, फिर तेरी तरह एक एक के चक्कर में पांच पांच घूमेंगे। युद्ध में अगर मर गया तो मैं अकेली कर लूंगी ब्याह। अच्छा बताइए ना, तो दोनों करेंगे बताइए। खून की गर्मी खत्म हुई, पर चेहर भरी तेरी जीभ है नैना गणे करती है बर्बाद, चेहर भरी तेरी जीभ है नैना गणे करती है बर्बाद। बहू पे लगाया दावे, बड़े बड़े वादे करे, हरियाणा अभी तक घाव, केस खून में धुआ ही जड़े, जब मेरे संग में होगा नावे, केस खून में धुआ ही जड़े, जब मेरे संग में होगा नावे। इसी जीव के कारण ना गण, इसी जीव के कारण ना गण, हस्तनापुर छुटवाया रीतने। अच्छा। कुरुवंश में आके डायन भाइयों को लड़वाया तने, ये नार नहीं नौरंगी होती साची कर दिखाया तने, नार नहीं नौरंगी होती साची कर दिखाया तने। केस खून में दुए बिगरना, केस खून में दुए बिगरना, खुशी ना मनाण दूंगी, मान लो कहे कि वरना खान ना मान दूंगी, मान लो कहे कि वरना तुम्हें खान ना कमान दूंगी। बिल्कुल ऐसा कर सकती है तू, ये बात मैं यकीन करता हूं कि तू नहीं खान देगी ना कमान देगी। हे पंचाली, उस शिव जी की आराधना करके
पांच गुणों वाले पांच गुण वाला पति मांग लिया, पांचों पांडव तुझे मिल गए। मैं जानता हूं तू किस चीज के लिए आज मेरे सामने डटी हुई है। तू याद कर ले तेरा वो पहला जन्म के जब सारे देवताओं ने मिलकर देवों पर आक्रमण कर दिया, और सरदारों जो जानते हैं इतिहास को उन्हें पता होगा कि जब विष्णु भगवान इंद्र महाराज ब्रह्मा ने मिलकर एक शक्ति का आविष्कार किया जो महाकाली कहलाई, और वो महाकाली देवताओं को मारने के बाद में उस भोले शंकर की छाती पर पैर रखकर खड़ी हो गई है वो द्रौपदी। अगर आवाज सही है तो ताली जरूर चाहूंगा। और दूसरे जन्म में उस जनक के घर पैदा होकर मिट्टी से निकलकर सीता नाम कहवाकर 21 दिन रावण के घर रहकर तेरा खप्पर पूरा नहीं होता ना, वहां भी लाखों करोड़ों लोग मरवा दिए। और अब तीसरे जन्म में यूं कह रही है खान ना कमान दूंगी, ये तो मैं जानता हूं तू खान कमान नहीं देगी, लेकिन अब का तेरा काम पूरा करके जाएंगे हम भी, ये सुन ले तू। कृष्ण भगवान ने पहले ही बता दिया कि तेरा खप्पर पूरा होने नहीं दे, कलयुग में भरवा देंगे। काली हो रही है देख लो वैसे भी बिल्कुल पोशाक से, काली है काल का काल का, काली है काल का काल का, रूप धर के आई द्रौपदी, शिव से ले वरदान गुणों का, हम पांचों को ब्याही द्रौपदी, और प्रेम सिंह गुरु तू समझा दे ना तो कर देगी तबाही द्रौपदी, प्रेम सिंह गुरु तू समझा दे ना तो कर देगी तबाही द्रौपदी।